नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीप पटेल 01 पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर रोज़ मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो यार, आप जब भी मैं नया वीडियो डालूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप सिंपली medium.com पे आर्टिकल को इंपोर्ट कर सकते हो। जी हाँ, ऐसे आर्टिकल जो कि गूगल पे ऑलरेडी रैंक्ड है उसे आप मीडियम पे इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी डायरेक्टली। आपको आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बाद उसके लिंक्स को अफिलिएट लिंक से रिप्लेस करना है। तो आज मैं पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ। ऑलरेडी medium.com पे एक वीडियो मैंने बना दी है, उसके अलावा ये एक और दूसरी वीडियो है जिस पे medium.com की एक दूसरी ट्रिक मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये एक प्री ट्रैफिक मेथड है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और एक्शन लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे। तो फिलहाल गूगल पे मैं टाइप करूँगा वेट लॉस, ठीक है। तो ये हमने गूगल ओपन कर लिया, मैंने टाइप कर लिया वेट लॉस, तो यहाँ पे कई सारे वेट लॉस के आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे डाइट्स के रिलेटेड आ गए, यहाँ पे वेट लॉस टिप्स, प्रोग्राम्स, एग्जाम, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो, ये वेट लॉस के रिलेटेड है, और यहाँ पे एक काफ़ी डिटेल्ड आर्टिकल है जिसमें बहुत कुछ दिया गया है वेट लॉस के बारे में, ईटिंग हैबिट, हेल्थी मील फॉर वेट लॉस, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप इस आर्टिकल को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसा ही कोई अच्छा और आर्टिकल हम ढूंढते हैं। वेट लॉस ट्रेनिंग टिप्स, ठीक है, ये हमने चेकआउट कर लिया। अब ये वाला देखते हैं। तो अब हम आर्टिकल ओपन हो रहा है, तो ये देख लीजिए वेट लॉस एंड डाइट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो, इस तरह के कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमें एक ब्लॉग की तरह आर्टिकल चाहिए। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसलिए ये आर्टिकल शायद काम नहीं करेगा, हमारे लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक लॉन्ग आर्टिकल चाहिए। तो हम एक दूसरा आर्टिकल सर्च करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वेट वेट लॉस टिप्स, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वेट लॉस टिप्स पे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया healthline.com, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है जो कि काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं वेट लॉस टिप्स के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस आर्टिकल के लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये हमने वेट लॉस आर्टिकल के लिंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी, तो ये हमारा वेट लॉस आर्टिकल टिप्स का ये जो पूरा आर्टिकल है, यहाँ पे हमने इसके लिंक को, सिर्फ लिंक को कॉपी किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है क्लिक बैंक पे। तो ये आ गए हम क्लिक बैंक पे, हम ऑलरेडी मार्केट पे इस पे आ गए हैं। अब हम देखेंगे हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, कुकिंग के रिलेटेड भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि हेल्थी डाइट रेसिपीज, तो उसमें से भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। तो यार, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लैपिटॉक्स करके हैं, इसकी ग्रेविटी भी काफ़ी अच्छी है, और ये अभी अभी फ़िलहाल नया एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्लिक बैंक पे, तो इससे प्रमोट आप कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। अगर आप सिंड्रेला सॉल्यूशन या फ्लैट बेली पिक्स को प्रमोट करते हो, तो कई लोग अब इसके बारे में जान चुके हैं,
तो इन पे क्लिक्स तो आएंगे, आपको कन्वर्शन भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट भी है जिसे भी आप प्रमोट कर सकते हो और इसमें आपको कमीशन भी ज़्यादा मिल रहा है, लगभग $70 का। यहाँ पे हम प्रमोट भी क्लिक करेंगे, ये भी वेट लॉस के रिलेटेड प्रोडक्ट है। यहाँ से हम हॉपलिंक जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने जनरेट कर लिया अपना अफिलिएट लिंक, तो हमने अफिलिएट लिंक कॉपी कर लिया। ओके, तो अब हम इसे नोट पैड में स्टोर कर देते हैं। तो ये हमने अपना अफिलिएट लिंक नोट पैड में स्टोर कर दिया। ऑलरेडी मैंने यहाँ से लिंक कॉपी कर लिया था, लेकिन वो लिंक फिलहाल मैंने फिर से अफिलिएट लिंक लिया इसलिए निकल गया। अब हम फिर से कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसे भी नोट पैड में पेस्ट कर देंगे। अब कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे पास दो लिंक्स रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, इसे medium.com पे जाना है। अगर आपके पास medium.com का अकाउंट नहीं है तो अभी एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप आर्टिकल्स को इंपोर्ट करके उनके अंदर जो लिंक्स दिए गए हैं उन लिंक्स को अपने अफिलिएट लिंक के साथ एक्सचेंज करके आप पैसे कमा सकते हो। तो वो सारे तरीके अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल खुद से नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने अकाउंट पे। यहाँ पे आपको न्यू स्टोरी पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टोरीज पे क्लिक करना है, ठीक है। आप स्टोरीज पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये आता है इम्पोर्ट अ स्टोरी। अब इम्पोर्ट अ स्टोरी पे यहाँ पे आपको अपनी ये जो वेबसाइट का लिंक आपने कॉपी किया है उसे पेस्ट करना है। ये हमने पेस्ट किया और अब इसे इम्पोर्ट कर देंगे। सिंपल है, इजी है। तो ये देखिए, ये जो हमने आर्टिकल लिया था healthline.com से, वो यहाँ पे पूरा का पूरा आ गया, देख सकते हो, ये पूरा आर्टिकल आ गया हमारे पास और अब हम इस आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये लास्ट में ये जो है healthline, तो इसे आप यूं ही रहने देंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस दे देंगे ताकि किसी को पता ना चले कि ये आर्टिकल हेल्पलाइन से ओरिजिनली पब्लिश्ड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे हमें ऐड करना है एक लिंक। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो अब ये इतनी सी चीज़ को हमें यहाँ से यू सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये जो कड़ी जैसा दिख रहा है आपको, एक चेन जैसा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंट्रोल अपना अफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। 1 मिनट, यहाँ पे से मैं अफिलिएट लिंक अपना कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे फिर से ये माइंडफुल ईटिंग है, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ पे एंटर मार देंगे। तो ये जो हमारा माइंडफुल ईटिंग यहाँ पे लिखा है, अब ये हमारे अफिलिएट लिंक के साथ रिप्लेस हो गया। अब कोई भी अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो हमारे अफिलिएट लिंक से क्लिक बैंक पे जाएगा और अगर वो परचेस करता है तो हमें कमीशन मिलेगा। तो ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से जो दिए गए हैं उनके ऑलरेडी लिंक्स वेबसाइट के, उन वेबसाइट के लिंक्स को आपको यहाँ से चेंज कर देना है। तो ये हमने फिर से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया और यहाँ पे एंटर मार दिया, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे भी लिंक दिए गए हैं उन सारे लिंक्स को आपको यहाँ से रिप्लेस करना है वन बाय वन, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे कंट्रोल वी और एंटर, भूलना मत, एंटर करना ज़रूरी है तो ही आप लिंक रिप्लेस कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से सिलेक्ट किया हमने, यहाँ पे लिंक पे गए, यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरह से आप यहाँ पे एक इंपोर्ट करोगे स्टोरी।
तो यहाँ पे फिर से हम आ गए, तो यहाँ पे ऑनलाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक और यहाँ पे कंट्रोल बी और यहाँ पे एंटर, ठीक है। तो ये जो सारे यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं इसमें वो सारे लिंक्स हो जाएंगे रिप्लेस। तो यहाँ पे इसमें हमें कोई लिंक नहीं देना है, तो हम बस यहाँ पे यू सिलेक्ट कर लेंगे और इसे नॉर्मल कर देंगे। जहाँ पे भी आपको नॉर्मल करना है वहाँ पे आप इसे नॉर्मल कर दीजिएगा। तो ये हाई प्रोटीन डाइट के रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिंक को नॉर्मलाइज कर देंगे। और यहाँ पे लूजिंग वेट है, इसे हम फिर से लिंक में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपना नया लिंक ऐड करेंगे, कंट्रोल वी, यानी कंट्रोल वी शॉर्टकट है, आपको कंट्रोल वी टाइप नहीं करना है इसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे सीक प्रोफेशनल हेल्प है, तो इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे अपने लिंक के द्वारा, कंट्रोल वी एंटर, ठीक है। तो इसी तरह पूरे आर्टिकल में आपको जहाँ जहाँ पर भी लिंक है वहाँ वहाँ पर अपना अफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। अगर आप चाहो तो सिर्फ लिंक रिमूव करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ पूरे आर्टिकल में यही करने वाले हैं, सारे के सारे लिंक्स को रिप्लेस करने वाले हैं। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंट्रोल वी एंटर। एक बार आपने ये सारे लिंक्स रिप्लेस कर दिए तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको ये जो इस तरह से हैं जो कि एक्स्ट्रा लिंक्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उन पे खाली सिंगल क्लिक करोगे तो वहाँ पे से लिंक निकल जाएगा और जो भी वर्ड है वो नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस दिए हुए हैं, आप चाहे तो इमेजेस चेंज कर दीजिएगा। और इमेजेस चेंज करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इमेजेस चेंज कर दीजिए, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप unsplash.com से इमेजेस ले लीजिए जो कि कॉपीराइट फ्री होते हैं, और इन उन इमेजेस का यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो यार ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे मैंने देख लिया है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं होती, कॉपीराइट ये सारे इश्यूज नहीं आते। तो आप बेसिकली इंपोर्ट करके किसी भी स्टोरी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको लास्ट में उस आर्टिकल के सोर्स को प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप हम यहाँ पे पूरी चीज़ को हटा देंगे, और जो भी आपको ऐसा लगे कि ये अनवांटेड है, इसकी मेरे आर्टिकल में कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उस चीज़ को डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, तो इस तरह से आपको लिंक्स प्लेस करने हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ पे लिंक आपको अपना पेस्ट नहीं करना है वहाँ से आप निकाल भी सकते हैं लिंक। तो फिलहाल इस जगह पे मुझे लिंक नहीं चाहिए, तो मैं इसे इस तरह से नॉर्मलाइज कर दूँगा। और जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये जगह लिंक प्लेस करने के लायक है, तो वहाँ पे आप अपना लिंक बिंदास से प्लेस कर लीजिए और यहाँ से अनलिंक कर देंगे। तो जो भी ऐसी जगह लगे जहाँ पे आपको लिंक्स को रिप्लेस करने जैसा लगे, वहाँ से आपको लिंक रिप्लेस कर देने हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल वी हमारा एफिलिएट लिंक, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे आर्टिकल को एफिलिएट लिंक से भर दीजिए, कुछ स्पेसिफिक जगह है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिन पे आप एफिलिएट लिंक दे दीजिए, बाकी चीज़ों पे एफिलिएट लिंक मत दीजिएगा हर जगह, वरना कस्टमर से गलती से भी अगर क्लिक हो गया और वो गलती से पेज पे चला गया तो यार उसके सेल होने के चांसेस काफ़ी घट जाते हैं। इसीलिए इस तरह की गलती मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिंक्स रिप्लेस मत कीजिएगा, एक लिमिट में कीजिएगा ताकि कस्टमर
पूरा आर्टिकल पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे फूड रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन हमें फूड रिलेटेड आर्टिकल यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग तो लिंक काफ़ी ज़्यादा रिप्लेस कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, पूरी पूरी की पूरी यहाँ पे रिप्लेस करनी होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द बेस्ट वेट लॉस सॉल्यूशन इन माय ओपिनियन। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अगर आप चाहो तो अपने प्रोडक्ट की एक इमेज दे सकते हो, या तो फिर अगर नहीं देनी तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मेन अपना अफिलिएट लिंक दे सकते हो। तो यहाँ पे ये ओपिनियन है, यहाँ पे वेट लॉस सॉल्यूशन है, तो इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसे बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेट लॉस सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे वेट गेट इट हियर एच, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये करेंगे, यहाँ पे लिंक ऐड करेंगे, कंट्रोल वी एंटर, और इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसे बड़ा कर देंगे, ठीक है। अगर बड़ा कर देते तो यहाँ पे लिंक नहीं आता, इसलिए आपको इसे छोटा ही रखना होगा। इसलिए इसे फिर से नॉर्मल साइज में कर देंगे, हटा देते हैं, बस बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो वेट लॉस है इसे सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कीजिए, एड इन गेट इट ही, यहाँ से अलग से लिख दिया, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करना है और लिंक से इसे रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल लिंक नहीं आ रहा है मेरे कंप्यूटर में, शायद की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप बेसिकली समझ गए, आपको यही करना है। अब आपको क्या करना है, इस आर्टिकल में कुछ जगहों पे जहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको हटा देनी है, यानी कि पूरे आर्टिकल को एडिट करना है। अभी भी इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ एडिट करने के लायक है, तो मैं ये पूरा आर्टिकल एडिट करने के बाद ही पब्लिश करूँगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़े बहुत और इमेजेस ऐड कर सकते हो, unsplash.com पे आप जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा देता हूँ, unsplash.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए वेट लॉस WEIGHTLOSS, तो ये देखिए यहाँ पे unsplash.com पे आपको ये सारे इमेजेस हैं, ये सारे इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो अपने मीडियम आर्टिकल के लिए, और ये सारे कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो इजीली। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आप जहाँ पे भी जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हो वहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे प्लस पे दबा दीजिएगा और यहाँ पे आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक बार आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ से जो भी इमेज वहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। तो आपको यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर लेने हैं वेट लॉस के रिलेटेड, यहाँ पे unsplash.com पे सारे कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो pexels.com से भी कॉपीराइट फ्री इमेजेस ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक बार ये आर्टिकल आपने पूरा का पूरा यहाँ से एडिट कर लिया, अच्छे से पूरी तरह ध्यान से एडिट कीजिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाए,
उसके बाद आप यहाँ पे इमेजेस ऐड करेंगे कॉपीराइट फ्री, और उसके बाद यहाँ पे रेडी टू पब्लिश पे क्लिक करके इस आर्टिकल को आप पब्लिश कर देंगे और आपका आर्टिकल पब्लिक हो जाएगा। तो सिंपल आपको ये चीज़ करनी है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग खींचने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन के 5 से 6 आर्टिकल्स इस तरह से एडिट करके यहाँ पे मीडियम पे पब्लिश कर सकते हैं। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि यहाँ पे आपने नीचे आर्टिकल के सोर्स को मेंशन किया है, इसीलिए आपको कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने लिंक्स को अफिलिएट लिंक्स के थ्रू यहाँ पे चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये आर्टिकल ऑलरेडी गूगल पे रैंक्ड है, तो इस पे आपको ट्रैफिक मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको मिल सकता है। और ये मेथड 100% काम करता है, कई लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, तो आप भी इस मेथड को ट्राई करके देखिए। क्योंकि यार ऑनलाइन फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है टेस्टिंग करना। आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हर चीज़ हमेशा काम नहीं करती या कुछ चीज़ें काम कर भी जाती हैं, तो टेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बहुत ही इजी मेथड है, फ्री मेथड है, जिसको हर कोई कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हार्ड मेथड है जो कि हर कोई नहीं कर पाया। जिस तरह से कि एड्स रन करना, हर किसी के लिए एड्स रन करना पॉसिबल नहीं है शुरुआत में, क्योंकि पता नहीं होता किस तरह से किया जाता है, डर लगता है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये तो फ्री मेथड है यार, यहाँ पर रिजल्ट मिले या ना मिले लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। आप 3 से 4 दिन तक, 1 वीक के लिए ये डिसाइड कर लीजिए कि मैं यहाँ पे 50 से 60 आर्टिकल्स एडिट करके पब्लिश करके देखता हूँ क्या मुझे रिजल्ट मिलता है कि नहीं। क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेस्टिंग, तो आपको हर मेथड को टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ मेथड्स मिलते हैं जो कि 100% वर्किंग होते हैं, 100% काम करते हैं। तो यार पूरे ध्यान से, पूरे दिलो जान से लग जाइए काम पे, और आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजिएगा जब आपकी पहली सेल आए, या तो फिर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा कि या आई मेड माई फर्स्ट सेल। जिस भी मेथड का आपने इस्तेमाल किया है, 200 प्लस वीडियोस हैं मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कई सारे मेथड्स हैं, सिर्फ यही मेथड नहीं है, ये तो सिर्फ एक मेथड है जो मैंने यहाँ पे बताया है। तो इस वीडियो में अगर कोई अच्छी वैल्यू मिली हो, कोई अच्छा कॉन्टेंट मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।